तो मैंने चाय और नाश्ता तो कर लिया था, इंट्रो नहीं बनाया क्योंकि इंट्रो में जो मेरे कज़न वाले थे वो बोल रहे, मैंने उसको बोला नहीं यार थोड़ा सा खामोश हो जा कि मैं व्लॉग बना लूँ, तो उसने मैंने वहीं पर नाश्ता कर लिया उन्होंने के साथ। तो मैंने सिर्फ ये इंट्रो में डाला है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आगा खान व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग, क्योंकि ये हमारी दरख्त है जो आपको पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था। ये पेड़ है, इमली का पेड़ है गिदामरी का, तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही नीचे हो गया है, ये ग्रोथ अभी इसकी नहीं हो रही है, तो इसकी अब हम ठीक करेंगे, इसको ठीक करके आपको बाद में मिलता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है क्योंकि हमारे पास ये हमारा एक गाँव है, क्योंकि गांव में ऐसे जो दरख्त होते हैं वो बच नहीं पाते क्योंकि बकरियां खा जाती हैं और इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है, और ये आम का पेड़ है ना वो भी नहीं टिक सका क्योंकि इसको पानी मिला नहीं और ये सूख गया है, आप देख सकते हैं। और ये मेरे इसको आप तो पता नहीं क्या कहते हो लेकिन हम इसको कहते हैं देवी, देवी का दरख्त। तो ये है जो अभी ये रुक गया था इसकी ग्रोथ, अभी ये भी सेट हो गया है क्योंकि ये हमारे आसपास होंगे ना तो हमारा आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। तो ये हमने बाजरा ले लिया, अब चलते हैं कबूतरों को लेने के लिए। तो ये भाई बाजरा दे रहा है कबूतरों को, चलते हैं अपने लॉफ्ट में क्योंकि इसके जो अंडे थे हमने वहाँ पर रख दिए थे, और इसके अंडे हैं ना इसके नीचे जो अंडा रखा है वो एक मोर का अंडा है, पीको के पीको का अंडा है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंडा है। तो ये आप देख सकते हैं, अब आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने रख दिया है और इसके नीचे जो अंडे हमने रखे हैं वो रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा इमारती है, इसके नीचे जो दो अंडे हैं वो इसके हैं और तीसरा इसका है, चौथा भी ये निकालेगी। तो ये हमारे कबूतर हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये हमारे कबूतर का बच्चा, ये हमारा फेवरेट कबूतर आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही चक मारता है लेकिन इसके अभी तक बच्चा नहीं निकला है। पारा सा चाय आ चुकी है, जैसे मैं लॉक से नीचे उतरा तो ये चाय पीती है मैंने, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। रेडी हो चुका था और मैंने कबूतरों का शो भी आपको करवा दिया, नहा के तैयार हो गया था, उसके बाद में क्योंकि टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का तो जैसे ही कुछ काम होता है तो वैसे ही आपको व्लॉग में दिखाऊँगा, लेकिन अभी तो मैं फ्री हूँ क्योंकि फ्री हूँ तो गेम खेलता हूँ, बाद में व्लॉग वाले टाइम आपको व्लॉग दिखाऊंगा। ओके, मेरा भाई का घर, तो चलते हैं वहाँ पर क्योंकि इसमें मेरा जो भतीजा है भाई का बेटा, उसका जो कबूतर है उसमें जो बेबी पिजन निकले हैं बहुत ज़्यादा ही अच्छे निकले हैं और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, एक तो तोबा से है एक तो नीला है, तो वहाँ पर चल के आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा एक तो तोबा है ब्लैक और वाइट नस्ल का, जो इसकी आइस है वो ब्लैक में और ये एक नीला है, ये अपने अबू पर और अम्मी पर गया है, ये मैंने इसको अंडा दिया था उसमें से निकला है, तो ये एक बच्चा था जो ये इसके हैं। तो आपको ये कैसे लगे निकाल के दिखा दे पी देता हूँ। तो ये रहा माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही फैंसी में है, जैसे कोई शेराजी कबूतर हो ना ऐसे लग रहा है। तो आज का व्लॉग इतना ही, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।